नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे चमकदार बालों की। हर कोई चाहता है उसके बालों में चमक हो, शाइन हो, क्योंकि बाल वास्तव में खूबसूरती का एक आयाम होते हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए। तो उसमें जो चमक होती है, ये ओवरऑल आपकी गुड हेल्थ के विषय में बताती है। हम लोग इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, बाजार से महंगा कंडीशनर लाते हैं, बाजार से महंगा जेल लाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में असहजता रह जाती है कि हमारे बाल रेशम जैसे चमकदार या सिल्की नहीं हुए। हम आपको बताते हैं साथियों, ऐसा एक अचूक घरेलू नुस्खा जिससे आप घर में रखे सामान से अपने बालों में वही चमक ले आएंगे जिस चमक की आप ख्वाहिश रखते हैं। आपकी इस इच्छा को पूरा करने का बहुत अद्भुत नुस्खा हम आपको साथियों बताते हैं। यह साथियों इसलिए भी अच्छा है कि जो आप बाजार से सामान खरीद के लाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है, आपके बालों को ख़राब करता है, उसका वियर एंड टियर करता है। लेकिन जो आप घर के सामान को इस्तेमाल करते हैं, वह क्योंकि आपका आहार होता है, उसको आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस चीज़ को शरीर में आप अंदर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाएगा? तो हम आपको बताते हैं बहुत अचूक घरेलू नुस्खा जो आपके खाने से पोषण को ठीक कर सकता है, तो वो लगाने से भी आपको नुकसान नहीं करेगा। तो पेश है साथियों अद्भुत नुस्खा, खास तौर से हमारे समाज की महिलाओं के लिए, क्योंकि वह इसके लिए ज़्यादा चिंतित रहती हैं, जो आपके बालों को सिल्की और शाइनी कर देगा। इसके लिए साथियों आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको एक केला लेना है। केला यानी बनाना, हम सब जानते हैं। आप एक केला लीजिए, उसको मैश कर लीजिए, उसको आप पेस्ट के रूप में बना लीजिए। उसमें आप 3 चम्मच दूध डाल दीजिए। अगर दूध कच्चा हो गाय का तो अच्छा है, अगर ना हो तो जो आपके पास उपलब्ध है उसको आप 3 टीस्पून आप उसमें मिल्क डाल दीजिए, और आप उसमें डाल दीजिए 3 टेबल स्पून शहद, हनी, यानी 3 बड़े चम्मच शहद। इस सॉल्यूशन को आप पूरा मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके इसको आप अपने बालों में लगा लीजिए, जड़ों से पूरा लगा लीजिए, पूरे बालों में। इसको आप 20 मिनट सर पे लगा छोड़ दीजिए। 20 मिनट बाद आप इसको गुनगुने पानी या माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। आप देखेंगे साथियों कि आपके बाल बहुत सिल्की हो गए। दुनिया का सबसे अच्छा कंडीशनर भी वो काम नहीं कर पाएगा जो आपका यह केला दूध और शहद का मिक्सचर कर लेगा। आप इस नुस्खे को साथियों करिएगा। एक और बात आपके मन में आ सकती है, दो बातें आपके मन में आ सकती हैं। एक बात आ सकती है कि हम अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मैं आपको उसके लिए बाध्य नहीं करूँगा। अंडे की जगह आप जो है वह मलाई ले सकते हैं, मलाई या दही, मलाई और दही, यह भी आपका उतना ही काम करेगा जितना अंडा, क्योंकि अंडे में भी प्रोटीन बहुत होता है और मलाई और दूध में भी प्रोटीन बहुत होता है। दूसरी बात जो आपके मन में आ सकती है कि जब हम अंडा लगाते हैं तो हमारे बड़ी दुर्गंध आने लगती है, बालों से बड़ी बुरी सी महक आने लगती है जो हमको अच्छी नहीं लगती है। इसका साथियों उपाय यह है कि आप इस पूरे नुस्खे को करने के बाद अपने बालों को नींबू पानी से धो लें, यानी कि आप एक मग में पानी लें, उसमें आप 2 लेमन निचोड़ लें, नींबू यानी लेमन, फ्रेश लेमन निचोड़ लें या नींबू का जूस डाल लें, और उससे अपने बालों को धो लें। तो जो अंडे की दुर्गंध है, एक की दुर्गंध है, वह आपको परेशान नहीं करेगी। आप इस नुस्खे को करिएगा साथियों। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या यूट्यूब नोटिफिकेशन में अपनी क्वेरी को लिखिएगा, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, बात अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, समाज के फायदे की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब करने को प्रेरित कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।